सो ये व्हाट्सअप गाइस, आज की स्टूडियो में सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं क्लाउड IAM क्विक स्टार्ट का। तो यहाँ से जो है मैं सीधे IAM पे आ जाऊंगा एंड यहाँ से जो है मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा एंड ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सब भी आपको करने की जरूरत नहीं। सीधे यहाँ पे आएंगे प्रिपेयर अ रिसोर्स फॉर एक्सेसिंग टेस्ट का। यहाँ से मैं पासवर्ड को सॉरी यहाँ से मैं यूजर नेम को कॉपी करूंगा, कॉन्सोल को जो है इनकॉग्निटो में ओपन कर लूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम पेस्ट करना है, एंटर दबाना है फर्स्ट वाला यूजर नेम, ठीक है, ना कि सेकेंड वाला। देन इधर से मैं पासवर्ड कॉपी करूंगा पासवर्ड को पेस्ट करके, देन इधर अंडरस्टैंड पे क्लिक कर दूंगा, ये ओपन हो जाएगा। क्लिक कर देना है सॉरी क्लाउड स्टोरेज पे आपको क्लिक कर देना है, आपको बकेट क्रिएट करना है तो ये मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है सीधे एंड ऐसा कुछ आपके सामने ओपन हो जाएगा। इधर आएंगे एंड हमें जो है GCP की प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी करना है। तो ये मैंने GCP की प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, अगेन जो है मैं इधर आऊंगा इसकी जगह पे पेस्ट कर दूंगा, देन कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, देन इधर से अगेन कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूंगा, देन अगेन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। इसको फाइन ग्रेड सिलेक्ट करना, इसको अनचेक करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना। सो ये हमारा काम डन हो गया, हमारी एक बकेट क्रिएट हो जाएगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड ये सब हमने कर दिया है, ठीक है। एंड हमें जो एक फाइल अपलोड करनी है sample.txt के नाम से, तो मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब अपने को क्या करना है, डाउनलोड सेक्शन में आओ अपने, ठीक है, एंड यहाँ पे जो एक फाइल क्रिएट कर लूँ किसी भी नाम से, टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो ये मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्लिक करा, पेस्ट करा इसको sample.txt को यहाँ पे। इधर आएंगे एंड इसके अंदर कुछ भी लिख दो, जैसे मैं बीटेक ही लिख देता हूँ एंड सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने बीटेक ही लिख दिया एंड सेव कर दिया, इसको मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। इसे यहीं पर रहने देना, अगेन अपने क्लाउड में आना एंड इधर से अपलोड फाइल पे क्लिक करना एंड यहाँ से जो है आपने जो फाइल बनाई है इसको यहाँ से ओपन कर लेना। सो ये ओपन कर लिया है एंड या देखो इधर अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। बस हमारा काम जो है डन हो चुका है, ये हमारी फाइल आ गई। अब एक चीज़ का ध्यान दो कि इधर देखो .txt दो बार आया है, तो अगेन इस तीन डॉट पे क्लिक करना, रीनेम पे क्लिक करना एंड ये डबल जो डॉट लगे उनको रिमूव करके रीनेम पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये काम आपको कर लेना है। अगेन बैक आएंगे, चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमें क्या करना है, IAMs में जाके यूजर नेम 2 को रिमूव करना है एंड देन अगेन उसको परमिशन देनी है। सो यार अगेन जो है हम इधर आ जाएंगे, इधर आने के बाद जो इन तीन लाइनों पे क्लिक करना, देन IAMs एंड एडमिन्स पे क्लिक करना, देन अगेन बैक आना, इधर से यूजर नेम 2 को कॉपी कर लेना, इधर आना एंड या इसको ओपन हो जाने दो एक बार। तो ये ओपन हो चुका है, ठीक है, एंड ये सब जो आएगा इसको क्रॉस कर देना। इधर आपको क्या करना है, फिल्टर में इसको पेस्ट कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देना है। तो ये जैसे क्लिक करोगे ऐसा कुछ आ जाएगा, इस पेंसिल पे क्लिक करना एंड इसको यहाँ से डिलीट करना, सेव पे क्लिक कर देना। ये हमारा काम जो है ये डन हो चुका है। अगेन बैक आएंगे, चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, टास्क जो है कम्प्लीट हो जाएगा, बट ये 80 सेकेंड लेगा अपडेट होने में, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये टिक लग गया है। अगेन मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, हमें जो है परमिशन देनी है किसको, यूजर 2 को, स्टोरेज ऑब्जेक्ट व्यूअर की। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन जो है मैं इसको कॉपी कर लूँगा, सॉरी इसको जो है कॉपी कर लूँगा एंड मैं जो है इधर आऊँगा, किसके अंदर देनी है हमें, ठीक है, इधर आके ग्रांट एक्सेस देंगे एंड अगेन हम प्रिंसिपल को इधर पेस्ट कर देंगे। देन इधर जो रोल है इस पर क्लिक करना, अगेन जो इधर आना, इधर से इसको आपको कॉपी कर लेना है, ये मैंने कॉपी कर लिया। अगेन इधर आएंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, ऐसा कुछ आपके सामने आ जाएगा, स्टोरेज ऑब्जेक्ट व्यूअर, इसको कॉपी करके सेव पे क्लिक कर देना। सो ये हमने अपडेट कर दी है पॉलिसी। इधर आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करना, टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अपडेट होने में थोड़ा टाइम लेता है, सो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो टिक लग चुका है, आगे आपको करने की जरूरत नहीं। आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।